नमस्कार दोस्तों, निफ्टी व्यू 18-8-2020 के लिए। निफ्टी एक साइडवेज जोन पर बंद हुआ, लेकिन मेरा एनालिसिस अब भी वही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 11,300 के आसपास। और ये 11,100 अगर ब्रेक हो जाता है तो 11,000 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली अब भी वीकनेस है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। चलो इंटरनल्स देख लेते हैं निफ्टी का, निफ्टी के इंटरनल्स का हाल क्या है। इंटरनल का हाल देखें तो यहाँ पर तो रेसिस्टेंस है यहीं पर 11,300 के आसपास, और यह आज का जो रेसिस्टेंस है यहीं पर लुकाया कर, और ये मूव नज़र आता है ना, ये ऊपर गया नीचे आया फिर ये ऊपर गया, ये एक रिएक्टिव मूव नज़र आता है। इसका मतलब यही है, ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए। तो मुझे अब भी वीकनेस नज़र आती है, क्योंकि अपर रीजन्स में थोड़े हेडविंड्स ज़्यादा हैं। अब है प्रॉब्लम कि कहाँ पर खुलता है। अगर यहीं पर कहाँ खुल जाता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है वो, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर पहला एक चांस मिलेगा शॉर्ट करने का, फिर एक करीब 11,100 और 11,000 शायद भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ खुला तो। अगर यहाँ पर खुला और ऊपर जाता है तो यहाँ पर स्टिफ रेसिस्टेंस है, एक मौका ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगी नॉट शॉर्ट करने के लिए निफ्टी। चलो निफ्टी बैंक देखते हैं, निफ्टी बैंक का हाल क्या है। यहाँ तो एंटायर स्ट्रक्चर भी वैसा ही वीक है, इसको कह सकते हैं कंसोलिडेशन या वीकनेस कहना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो जोन है 21,700 का जोन, ये ब्रेक हो जाता है तो लोअर लेवल्स कभी 21,000 के करीब देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ इतना मानना चाहिए कि 22,000 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। चलो निफ्टी इंटरनल्स देखते हैं, निफ्टी इंटरनल्स का हाल क्या है। ये तो रेसिस्टेंस है ही, ये जोन जो मैंने मार्क किए हुए हैं, अगर यहीं पर कहाँ खुल जाता है तो ऊपर रेसिस्टेंस काफ़ी मिलेगा, इसीलिए मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट करने की जगह कहाँ है। अगर ये रीज़न ऊपर कहीं पर कहाँ खुल जाता है तो दिक्कत होगी शॉर्ट करने में। एक अच्छी जगह शॉर्ट करने की हो जाती है यहाँ पर कहीं खुले और ये ब्रेक कर ले, तब तो शॉर्ट करने की जगह होती है। क्या मैं खरीदूँगा? मुझे लगता है कि मैं खरीदूँगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं खुला तो ऊपर थोड़ा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ तक जा सकता है। ट्रेडिंग थोड़ा बैंक निफ्टी में डिफिकल्ट रहेगा, निफ्टी में थोड़ा सेफ रहेगा। देखिए क्या होता है, बस इतना ही ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग मतलब पैसा कमाना है, राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता इसमें, पैसा भाव भगवान है, इतना ज़रूरी है, बस इसी का ध्यान दीजिए।